उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में करनपुर में एक डॉक्टर के यहाँ छापेमारी ने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि डॉक्टर रफत के यहाँ काफी समय से लोगों का जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायत के बाद एक टीम गठित करके इस नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। टीम को मौके से भारी संख्या में सरकारी अस्पताल में सप्लाई होने वाली दवाइयां मिली हैं और टीम के होश उस समय उड़ गए जो उन्हें हाई डोज इंजेक्शन मिले जो कि बेहद खतरनाक माने जाते हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इस छापेमारी पर जानकारी देते हुए बताया कि करनपुर में एक डॉक्टर रसद MBBS नाम का है जो कि लोगों को चूना लगा रहा है, जिसकी सूचना पाकर टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। तब देखा गया कि फर्जी तरीके से डॉक्टरी की जा रही है और एक मेडिकल चल रहा है। मेडिकल पर जब छापेमारी की गई तब मेडिकल के अंदर से नकली दवाइयों को प्रयोग किया जा रहा था। डॉक्टर की टीम ने मेडिकल की सारी दवाइयां मुड़ा पांडे थाने लाई गई और देखा कि सभी दवाइयां नकली हैं। टीम ने फर्जी मेडिकल व डॉक्टर रसद के खिलाफ थाना मुड़ा पांडे में FIR दर्ज करा दी है। मैं जनपद मुरादाबाद में औषधि निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन महोदय द्वारा सघन चेकिंग अभियान, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात सूचनाओं पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश आदेश पारित हैं। उन्हीं के आदेशों के अनुपालन में आज श्री राम पुकार पांडे सहायक आयुक्त औषधि के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुंडा पांडे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने हेतु निकले थे। सूचना मिली कि करनपुर स्थित डॉक्टर रफत द्वारा संचालित हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें जो है मेडिकल स्टोर भी संचालित है। हम लोग वहाँ पे मौके पे गए। डॉक्टर रफत द्वारा अपने आप को एक MBBS डॉक्टर के रूप में प्रतिरूपण किया गया, बताया गया, और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस उनके द्वारा फोटोकॉपी जो प्रस्तुत की गई, जैसी उन्होंने प्रस्तुत की तो हमारे संज्ञान में आया कि ये मेडिकल स्टोर तो करनपुर में किसी अन्य जगह पर संचालित है। ये फर्जी तरीके से फोटोकॉपी दिखा रहे हैं, जिस पर उनके द्वारा जो बताया कि मैं MBBS से वहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया है, तो हमने उनके प्रिंसिपल और उनके जो है टिकट मतलब वहाँ से प्रोफेसर वगैरह के बारे में बात की तो उन्होंने सब उल्टा सीधा बताया, जिससे हमको संदेह हुआ कि MBBS डॉक्टर का कुछ भी नहीं है। जिस पर वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हुई, उन्होंने कार्य में बाधा पहुँचाई, कार्य नहीं करने दिया है, और वहाँ पर नारकोटिक्स दवा भी मिली है। अभी हाल फिलहाल जो आपका ट्रमाडोल हाइड्रोक्लोराइड बैन हुई है, सरकार ने जो बैन किया है वो भी उस वहाँ पर बरामद हुई है, और इतने हैवी एंटीबायोटिक वहाँ पे मतलब जो है रिकवर्ड हुए हैं कि वो यदि एक बार एक इंसान मतलब उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक अभी वर्ल्ड में नहीं है कि अगर जो एक बार लग जाए रेसिस्टेंट हो जाए तो व्यक्ति को उसके बाद कोई दवा सही नहीं कर सकती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। इस तरह से बहुत ही गंभीर प्रकरण ये सामने आया है। वहाँ पर कम से कम 7-8 पेशेंट वहाँ पर क्या नाम आपका एडमिट थे, जिनकी गंभीर बीमारियों का इलाज करते हुए पाया गया है। वहाँ पर टेटनेस वैक्सीन रूम टेम्परेचर पे मिला है, जिसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा जा सकता है। वो देखने में ही हैजी हो रहा था। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर जो टेटनेस इंजेक्शन आज लगता है तो उसका इम्पैक्ट 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी होता है, तो वहाँ किसी को याद भी नहीं रहेगा कि मैं टेटनेस इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से मुझे टेटनेस हो गया है। ये गंभीर बहुत ही अत्यंत गंभीर प्रकरण है, जिसमें जो है इस पर हम लोग अब कार्रवाई करके मुकदमा पंजीकृत। डॉक्टर रफत, डॉक्टर रफत का ही नाम सामने आया, बाकी तो वो भाग गया है मौके से धक्का दे के, और काफ़ी जो अब्स्ट्रक्ट किया है पब्लिक ने जो है मतलब वहाँ की पब्लिक ने पूरी भीड़ ने जो है उस डॉक्टर को ही सपोर्ट किया है और सरकारी कार्य में पूरी तरह से बाधा पहुँचाई है। आपके साथ टीम में कौन कौन लोग? मेरे साथ में सहायक आयुक्त हमारे थे रामकुमार पांडे जी, और श्री आशुतोष मिश्रा जी हैं औषधि निरीक्षक बिजनौर, और श्री अनुरोध कुमार जी हैं औषधि निरीक्षक रामपुर से, और हमारे श्री राजेश कुमार जी हैं औषधि निरीक्षक अमरोहा से। मुरादाबाद से मोहम्मद सावेज अंसारी की रिपोर्ट।